वेलकम बैक। आज है डे टू। आज हम जा रहे हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग पे। एक जो ये ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर में। अभी हम हैं इंदौर में। कल रात को हम इंदौर आ गए थे फ्रॉम महाकाल। अभी हम हैं इंदौर में। इंदौर से अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। 2 घंटे की ड्राइव है। इट इज़ इन द खंडवा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। अभी फ़िलहाल इंदौर में ठंड इधर इतनी कुछ खास है नहीं, थोड़ी सी है। एंड इंदौर में करेंगे ओमकारेश्वर के दर्शन। ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है वो 2 में डिवाइडेड है। मतलब पाँव से ही जाना होता है वो, पैदल आई थिंक बाय बोट भी जा सकते हो आप। मैं वहाँ का सारा आपको एक्सप्लेन करूँगी सब कुछ जाके। अभी हम CNG भरवा रहे हैं एंड देन हम निकलेंगे। सो या स्टे ट्यून एंड लेट्स गो टू ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एंड मैं ज्योतिर्लिंग की कहानी आपको बता दूँ जिसको नहीं पता है। तो जो कहानी मुझे पता है एंड टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कहानी ये है कि एक बार की बात है, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान जी की आपस में बात हो रही होती है कि हम, शिव जी कहते हैं मेरा कोई अंत नहीं है और विष्णु भगवान जी मान जाते हैं कि हाँ ठीक है आपका कोई अंत नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, मैं ढूंढ के लाता हूँ तुम्हारा अंत। ब्रह्मा जी जाते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको कोई अंत नहीं मिलता है। वो आते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारा अंत ढूंढ लिया है, तुम्हारा अंत 100 जगह पे है। शिव जी को गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। तो जब शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, शिव जी ही बर्स्ट्स आउट, वो बर्स्ट होते हैं और वो बर्स्ट हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट में वो बर्स्ट होते हैं आप 12 जगह से, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मैंने 3 मेरे हो जाएंगे आज कवर। मैं बनारस गई हूँ, महाकाल कल हो गया, अभी ये 3रा हो जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग है टोटल इंडिया में एंड 12 जगहों से वो बर्स्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दैट इज़ हाउ ज्योतिर्लिंग केम इन टू प्लेस। ऐसे शिव जी के ज्योतिर्लिंग आए एंड ई ज्योतिर्लिंग की अलग अलग कहानियाँ हैं। जो मेजर कहानी है वो यही है जो मुझे पता है। सो बहुत होगी कहानी टाइम, अब जाते हैं जल्दी से, पापा मम्मी बुला रहे हैं। लेट्स गो टू ओमकारेश्वर एंड स्टे ट्यून्ड। तो गाइज हम ओमकारेश्वर आ गए हैं। 2 घंटे की जर्नी है फ्रॉम इंदौर टू ओमकारेश्वर। आप चाहो तो आप महाकाल से भी डायरेक्टली आ सकते हो, बट हमने इंदौर में होटल बुक कर रखा था तो हम इंदौर गए। इंदौर में हम नाइट रुके एंड अब हम आए हैं इधर ओमकारेश्वर। यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकारेश्वर एंड ममलेश्वर। ममलेश्वर इनकी क्या स्टोरी है, 2 क्यों हैं, मतलब वो है कंसिडर एक ही होता है बट वो 2 पार्ट्स में है। पुल क्रॉस करके हमें दूसरा जाके विजिट करना है बट है वो एक ही ज्योतिर्लिंग। सो हम जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या है उधर। एंड यहाँ से मुझे बहुत दूर से शंकराचार्य की मूर्ति दिख रही है, बहुत बड़ी मूर्ति है। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिव जी की भी मूर्ति है तो होपफुली हम वो भी देखेंगे। एंड क्या जाते हैं आगे, आपको दिखाती हूँ। टुडे इज़ गोइंग टू बी फन। सो लेट्स गो। ये है पूरा ज्योतिर्लिंग का पुल। यहाँ से हम जाएंगे आगे और ये आ रही है नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। अब हम जाते हैं आगे टुवर्ड्स ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर द्वार है ये। यहाँ पे खूब हवा चल रही है, नर्मदा रिवर पे बना है, वो रहा ज्योतिर्लिंग का वो पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है। ओके ये देखिए, ये शायद ये है मंदिर जो आपको दिख रहा है एंड ये है पूरा पुल। अभी हम जा रहे हैं VIP दर्शन करने। एंडिया नीचे से बोट चलती है, दूसरे लेकर जाती है ममलेश्वर में। मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन अभी बताऊंगी कैसे कर सकते हैं दर्शन। अभी चलते हैं ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं। ये पूरी लाइन है मंदिर के दर्शन के लिए। हम शायद VIP में जा रहे हैं इसलिए हमें खाली मिल गया, बट ये पूरी लाइन जैसे आप भीड़ देख सकते हो। हम आगे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। भोले भोले। चप्पल का उतार रही है मम्मी, चप्पल।
रामेश्वर का जो मंदिर है ये पर्वत पे है सिचुएटेड, इसलिए ये बहुत उबड़ खाबड़ बना हुआ है। और ये नर्मदा रिवर, मैं नीचे से जाके एक प्रॉपर व्यू देती हूँ, यहाँ से कुछ इतना समझ नहीं आएगा। तो गाइज ये है नॉर्मल, अब हम ओमकारेश्वर के दर्शन कर लिए हैं, उसका मैं पूरा बताती हूँ। फिलहाल अभी हम हैं शेयर्ड बोट में, जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है। अभी हम शेयर्ड बोट में जा रहे हैं, इसके 200 रुपये पर पर्सन लेते हैं, प्राइवेट बोट करने तो 1000 रुपये पर पर्सन। एंड मैं आपको बोट दिखाती हूँ, बहुत सारी ऐसे बोट्स हैं यहाँ पे। बोट्स, ओ मम्मी डर लग रहा है, ये रही सारी बोट्स। यहाँ पे भी बहुत बदमाशी है, अब शेयर्ड में तो पहले बोलेंगे भर जाए, अब भरेगी है नहीं। अब हमने 800 रुपये में पूरा प्राइवेट में बोट पास किया है। अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, जुगाड़बाजी करनी पड़ती है। महाकाल में तो बहुत स्मूथ दर्शन हो गए, सब कुछ बहुत स्मूथ था, यहाँ पे बहुत स्मूथ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, जुगाड़ से दर्शन हुए हैं हमें। अब हमने प्राइवेट बोट कर लिया, अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि बोट बहुत हिल गई और हम 4 जने हैं बोट में। अब जा रहे हैं गोइंग टूवर्ड्स ममलेश्वर टेम्पल। तो दीदी बुरा लगाना पड़ेगा वो ओंकार का। ये क्या लगा रहे हो, महाकाल का? ओम लगा दो ना, ओम चले लगा दो। एक पानी का डब्बा, बस बस इतना ज्यादा नहीं करना। अरे भैया थैंक यू। ओके ये हम बोट से आए हैं अभी, अब हम नीचे जा रहे हैं सब मैंने, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पे खूब सारी चेन्स, महाकाल का वो, अरे वाह ज्योतिर्लिंग की तरह नीचे। ये आ गए हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पे। ओके बहुत सुंदर लग रहा है, मेरी पट्टी सीधा डायरेक्ट रसून ले, बिगड़ ले लाइन में लगानी पड़ेगी, जो आपकी श्रद्धा बहुत अच्छा लगेगा। कितनी देर लगेगी लाइन में? लाइन में लगाई 2 घंटे। 2 घंटे की लाइन है? 2 घंटे। चलो चलो बना दो तुम्हारी वीडियो को आराम 10 मिनट। ये घुसने नहीं दे रहे, घुसने धक्का मार रहे हैं। मारा धक्का गलती का भाई, हमारा जवान नहीं ना अभी जो धक्का मारे। धक्के कर रहे हो आप, कहो छोड़ो, ये भी नहीं जाएंगे आप। दे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, धीरे धीरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। सो गाइस ओमकारेश्वर के दर्शन हो गए, दोनों ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर एंड ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के हमें दर्शन हो गए। अब हम निकल चुके हैं गोइंग बैक टू इंदौर, थोड़ा इंदौर एक्सप्लोर करेंगे। कल का पूरा दिन फ्री है, रात की फ्लाइट है वापस बैक टू दिल्ली। सो कल का भी पूरा दिन है टू एक्सप्लोर इंदौर, एंड इंदौर में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कल। आज देखो अभी 2 घंटे तो लग जाएंगे पहुंचने में, शाम तक पहुंचेंगे, देन देखो शायद हम थोड़ा बहुत इंदौर घूमें। एंड
तो जो मैं आपको बात बता रही थी, ओंकारेश्वर में इस टाइम पे बहुत भीड़ है। आई डोंट नो कब आना चाहिए, कब भीड़ नहीं होगी। इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। एंड हमने 500 रुपये कोई बोला था कि VIP चार्जेस है, कोई कह रहा था 300 रुपये की VIP टिकट है। VIP का लाइन वॉज इक्वलन टू द नॉर्मल लाइन, बहुत भीड़ थी। देन फिर हमने जुगाड़ करके पंडित जी से जुगाड़ करा, 1000 रुपये पर पर्सन दिए, बैक गेट से एंट्री ली, फटाफट दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। एंड आई वॉज लकी इनफ, मुझे नारियल भी मिल गया वहाँ से। मैं दो बार दर्शन करा ही, वापस आके फिर मैं अंदर गई, दैट वॉज क्रेजी। एंड लेकिन जुगाड़ ही चाहिए अगर आप VIP लाइन में लग रहे हो तो। VIP तो ऐसा धक्कम धुक्की और नॉर्मल वाला ही लाइन लग रहा था मुझे तो VIP भी। तो हमने ये जुगाड़ करा इस टाइम पे। मुझे नहीं पता दिसंबर में क्यों इतनी भीड़ है, मे बी हॉलीडे सीजन है इस वजह से या मौसम अच्छा है इस वजह से, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी। किसी ऐसे टाइम पे आओ जब भीड़ नहीं होती तो फिर आपको दर्शन आराम से हो जाएंगे, फिर ये सब VIP वगैरह नहीं होगा। बट दर्शन करने करने के लिए ये सब लग गया। एंड महाकाल मीन्स थिंग्स आर मोर सॉर्टेड, प्रॉपर है वहाँ पे ऑर्गेनाइज। यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं है, यहाँ पे बोलते हैं VIP की टिकट, कोई कह रहा था 300 की, कोई कह रहा था 500 की है, बट हमने कुछ भी नहीं लिया। हमने सिर्फ 1000 रुपये पर पर्सन दिए, हम तीन लोग हैं। मम्मी सिंस बीइंग हैंडीकैप उनके उन्होंने नहीं लिए, अदर देन दैट मेरे और पापा के 1000 रुपये लिए। एंड हैंडीकैप इन सेंस मम्मी का हाथ टूटा हुआ है सो उन्होंने इस चक्कर में उनके नहीं लिए, बट 1000 रुपये पर पर्सन था। वो भी जुगाड़ करके पंडित जी कराएंगे, वो आप आओगे आपको अपने आप ही लग जाएंगे पंडित आपके साथ साथ, पीछे पीछे हम ये कराएंगे वो कराएंगे। एंड ममलेश्वर मंदिर में भी सेम इतनी भीड़ नहीं थी, वो ज़्यादा ज्योतिर्लिंग पे भीड़ नहीं थी। ओमकारेश्वर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, महाकाल में भी भीड़ थी बट नॉट मच। सो ये मेरे को आपको टिप देना था कि अब आप आ रहे हो तो जुगाड़ रहेगा इधर, अगर आपके पास टाइम नहीं है। टाइम क्या, 1.5-2 घंटा खड़ा होना पड़ता है वो VIP की लाइन में। सो इफ़ यू वॉन्ट, आप खड़ा होना चाहते हो प्लीज़ गो अहेड, बट वैसे तो हमें नहीं खड़ा होना था क्योंकि बहुत देर लग जाती है, अभी तक हम दर्शन ही कर रहे होते जो मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। सो दैट्स दैट, ये मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना था। अब हम यहाँ हुए हैं होटल पंचवटी, थोड़ा कुछ होटल तो नहीं है, एक रेस्टोरेंट है, कुछ खाएंगे यहाँ पे, देन वी लीव फॉर इंदौर। एंड बस दिस वॉज इट। थोड़ा बहुत मैं और इंदौर का व्लॉग बनाऊंगी, कल क्या करते हैं, हाउ वी स्पेंड आवर डे इन इंदौर। सो या दिस वॉज इट फॉर दी ओमकारेश्वर व्लॉग, एंड आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट। इफ़ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। I'll see you guys in my next video. Till then, toodles. Bye.